आत्महत्या मामले में दोबारा गर्मा गया है। आत्महत्या केस में पुलिस कोर्ट में चालान डायरी पेश की थी। हालांकि आरोपितों के वकील द्वारा प्रकरण में जांच के दौरान दर्ज हुए गवाहों के बयानों की कॉपी कोर्ट में बुलवाई जाने का कहा गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई के पहले सभी दस्तावेज अभियोजन को पेश करने का कहा। दरअसल 12 जून 2018 को भैयू समाज ने कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के करीब 6-7 महीने बाद पुलिस ने महाराज के खास रहे विनायक, पलक और शरद के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया। इसके बाद से आरोपी जेल में है। वहीं आरोपितों की ओर से एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर ने कोर्ट में 2 आवेदन प्रस्तुत किए। इसमें आरोपितों की तरफ से आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रकरण में जांच के दौरान दर्ज हुए गवाहों के बयानों की कॉपी कोर्ट में बुलवाई जाए। 8 अगस्त 2019 को कोर्ट ने इस संबंध में आदेश भी दिया, बावजूद इसके दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। भैयू महाराज आत्महत्या मामले में आरोपी शरद की ओर, विनायक की ओर से मेरे द्वारा, इमरान कुरैशी और आशीष छोरे के द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें न्यायालय से निवेदन किया गया था कि आवेदन पत्र धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें हमारे द्वारा निवेदन किया गया था कि भैयू महाराज आत्महत्या मामले में मर्ग जाँच के दौरान लगातार 6 महीने जाँच चली थी। उस 6 महीने की जाँच के दौरान भैयू महाराज के मामले में पुलिस ने लगभग सैकड़ों लोगों के बयान लिए थे। इन सैकड़ों लोगों के बयान लेने के पश्चात पुलिस ने कई लोगों के बयान लेने के बाद आज दिनांक तक न्यायालय में प्रस्तुत जांच के दौरान लिए गए बयानों की कोई कॉपी प्रस्तुत नहीं की। हमने न्यायालय में आवेदन लगाया कि श्रीमान, जिन लोगों के बयान इन्होंने मर्ग जाँच के दौरान, 6 महीने की जाँच के दौरान बयान लिए थे, उनके बयान न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी श्रीमान प्राणेश कुमार प्राण द्वारा दिनांक 8/8/19 को हमारा आवेदन स्वीकार करते हुए अभियोजन को निर्देशित किया था कि वो उक्त दस्तावेज मर्ग डायरी के प्रस्तुत करें, परंतु अभियोजन द्वारा मौखिक निवेदन कर न्यायालय में वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। हमारे द्वारा पुनः एक आवेदन प्रस्तुत किया गया कि श्रीमान अपने आदेश का, न्यायालय अपने ही आदेश का पालन कराए। न्यायालय ने आज आदेशित किया है कि पुराने आदेश का पालन कर अगली तारीख तक प्रतिवेदन न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत करें और मर्ग डायरी के दस्तावेज आरोपीगण के अधिवक्ताओं को प्रदान करें।